प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर। बात करेंगे केपीआईटी टेक्नोलॉजी के बारे में। देखिए, मोबाइल सेक्टर का एक बहुत ही बढ़िया टेक्नोलॉजी स्टॉक है जिसने ऑलमोस्ट 30% से ज्यादा रिटर्न दिखलाया है एक साल में। हमने इसको अपने चैनल पर करीब 150 रुपए के आसपास, 120 रुपए के आसपास इसको रिकमेंड किया था, और अभी ये आपको मल्टीबैगर रिटर्न दे रहा है पिछले 3 सालों के अंदर, अगर आप हमारे कहने पर इसको खरीदे होते तो। पर अभी आज काफी तकड़ी गिरावट आई है केपीआईटी में, तो जानने की कोशिश करेंगे। यहां पर इनोवेशन में लीड करते हैं जिसकी वजह से इनका काफी अच्छा रेवेन्यू बढ़ा है, ऑलमोस्ट 0 करोड़ से बढ़कर 240 करोड़ तक का रेवेन्यू आ चुका है इनके पास में एक साल के अंदर। रिपोर्ट आई है जेपी मॉर्गन की, जिसकी वजह से आज स्टॉक ने करीब 18% की गिरावट दिखाई है। उन्होंने कहा है वैल्यूएशन की दृष्टि से 44% इसको गिरने की उम्मीद लग रही है यहां पर, जिसकी वजह से 18% के आसपास गिरकर ये 760 रुपए के आसपास बंद हुआ है ये स्टॉक यहां पर। इन्होंने कहा है 520 रुपए का इसका अप्रोक्सीमेट टारगेट है, 925 रुपए के टारगेट जो करंट मार्केट प्राइस था उसके चलते हुए, तो जिसकी वजह से मार्केट ने बहुत ज्यादा गिरावट दिखाई है। कारण क्या बताएं, फ्यू क्लाइंट्स है। देखिए, जब आपका बिजनेस डायवर्सिफाई होता है तो आपके पास रिस्क कम रहते हैं। मान ली एक क्लाइंट बंद हो जाए तो उसकी दिक्कत आपके बिजनेस पर सीधा इंपैक्ट डालेगी, जिसकी वजह से यहां पर बहुत बड़ा रिस्क है इनके पास में। साथ साथ में मार्जिन प्रेशर भी है, जो कि लोअर मार्जिन पर इनको काम करना पड़ रहा है। अगर यहां पर किसी भी तरह से प्राइस इंपैक्ट आया तो उनके मार्जिन में नेगेटिव प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। ऑटोस टेक्निकल सेक्टर है जो कि बहुत बढ़िया ग्रोथ का काम कर सकता है, बट यहां पर ऑटोमोटिव इंडस्ट्री जनरेट 88% ऑफ टेक्नोलॉजी, टाटा टेक्नोलॉजी रिवेन्यू इज ऑल्सो द कोर एरिया ऑफ फोकस फॉर केपीआईटी, और यहां पर हैज बीन अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्डर्स एवरी ईयर टू मेंटेन इट्स ग्रोथ रेट ऑफ मोर देन 20%, विच इज सी अ चैलेंज गिवन द सिक्लिक नेचर ऑफ द ऑटो इंडस्ट्री। सो यहां पर जिस तरह से मार्केट में थोड़ा सा सिक्लिक नेचर होता है, अभी मार्केट थोड़ा डाउन ट्रेंड में है, जिसकी वजह से केपीआईटी स्टॉक भी थोड़ा सा नीचे को रहेगा। इन्होंने अप्रिशिएटेड केपीआईटी फोकस ऑन फास्ट ग्रोइंग ऑटोमोटिव व्हीकल, बट सेड इट वुड वेट फॉर एन अट्रैक्टिव एंट्री पॉइंट। यहां पर 520-540 के आसपास इन्होंने कहा है इसको री एंटर कर सकते हैं। यहां पर इन्होंने सी होंडा के साथ भी अच्छी पार्टनरशिप की हुई है टेक्नोलॉजी की तरफ से देखा जाए तो। प्रमोटर के पास में कम होल्डिंग है, नीश एरिया में काम करते हैं, जिसकी वजह से ये टेक्निकल लेवल की कंपनी है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनी है। इसका प्राइस अगर देखा जाए तो वैल्यूएशन की दृष्टि से काफी ऊपर वैल्यू चले गए थे, जिसकी वजह से मार्केट ने इसको करेक्टिव मोड देखा है। पिछले एक साल में 30% का रिटर्न दिखाया है, लो लेवल इसके करीब 450 के आसपास है। तो ये इनकी जो रिपोर्ट आई है 945 के आसपास, अगर ये 500 रुपए तक जाता है तो ये अपने पुराने लेवल के आसपास पहुंच सकता है, 52-week low का इन्होंने प्रोजेक्शन किया है, जो कि एक चैलेंज है। मार्केट कैपिटलाइजेशन 22,000 करोड़ की कंपनी है, आज डिविडेंड भी देती है, और डेली वॉल्यूम देखा जाए तो 22 लाख के आसपास शेयर हेड एक्सचेंज होते हैं, 20% की डिलीवरी है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो सेक्टर का पी 28 है, जो कि स्लाइटली ओवर वैल्यू सेक्टर है। इसकी बुक वैल्यू 48 रुपए के पास, मुझे बुक वैल्यू के रेफरेंस में ये शेयर 760 रुपए के आसपास अभी यहां पर ट्रेड कर रहा है। प्रमोटर की होल्डिंग 40% है, 50% भी नहीं है, हालांकि एफआईआई के पास अच्छी 20% की होल्डिंग है, जो कि सेकंड हाईएस्ट माना जा सकता है अदर देन प्रमोटर। पब्लिक जनरल पब्लिक के पास सब कुछ मिलाकर 25% के आसपास होल्डिंग है। आइए जो चलते हैं टेक्निकल व्यू देखते हैं, तो केपीआईटी टेक्नोलॉजीज ने बताया they are definitely one of the leading innovative technology company जो overall growth के पेस पर यहाँ पर काफी अच्छा काम कर रही है, motor driven technology software बना रहे हैं, और इन्होंने यहाँ पर जर्मनी के reference में भी अच्छा काम किया हुआ है, अपने अलग अलग area में ये बहुत बड़े level की काम कर रहे हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो company ने काफी अच्छा काम किया है, क्लाउड पर सारे के सारे डाटा सेव कर रहे हैं ऑटोमेटिकली, this will boost their automotive domain ड्रिवन सॉफ्टवेयर डिवाइन प्लान करते हैं, और साथ साथ में इन्होंने यहाँ पर 2023 का इनोवेशन चैलेंज भी इन्होंने जीता है, और यहाँ पर आउटलुक बैक बाय सीसी रिव्यू 47% ईयर ऑन ईयर, नेट प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 43% ईयर ऑन ईयर, तो काफी अच्छा ग्रोथ दिखाया है इन्होंने, इसमें कोई डाउट नहीं है इस कंपनी की तरफ से। सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पर पावर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं, और आपको क्लाउड कनेक्टिविटी व्हीकल भी सारे के सारे आपको हेल्प करते हैं, ताकि आपकी जब सर्विस ड्यू है तो आपको ऑटोमेटिकली आपके प्रेफर्ड डिवाइस पर मैसेज भी भेजते हैं। तो उस हिसाब से काफी अच्छा इन्होंने अपना काम किया हुआ है। यहाँ पर कोची में इनका ऑफिस है नीचे दक्षिण भारत में, और साथ साथ में अदर एरियाज में भी इन्होंने काफी बढ़िया काम किया हुआ है केपीआईटी के साथ में अगर बात की जाए तो। पर आज क्लियर इंडिकेशन था, सुबह से ही इसका काफी तगड़ा प्रेशर था, एक फॉलिंग चैनल मिल रहा है, हर कैंडल और एक नया
लो बनाकर कारोबार किया है, और इनफैक्ट जाते जाते 775 के लेवल का भी इन्होंने तोड़ दिया था। पर अभी जैसा उनकी रिपोर्ट के मुताबिक हमारे हिसाब से 600 रुपए तक गिर सकता है, इसकी उम्मीद इसमें लग रही है। आज अपना लेटेस्ट टाइम का देखा जाए तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम के साथ गिरा है, ऑलमोस्ट यहां पर 12 मिलियन शेयर हैंड एक्सचेंज हुए हैं, जो कि पिछले एक साल में काफी बड़ा ग्रोथ के हिसाब से अगर देखा जाए तो। ओवरऑल 28 मिलियन था पूरे हफ्ते में, यहां पर एक ही हफ्ते में, और अभी एक्सीलरेटेड सेलिंग और बढ़ेगी यहां पर, जो कि एक चैलेंज बना सकता है इस स्टॉक के लिए केपीआईटी में। बुलिनियर बैंक की बैंडविड्थ बहुत कम है, 18 के आसपास है अभी। यहां पर अपर लेवल से जो कि 930 का था, एक ही दिन में लोअर लेवल जाना बहुत ही अनएक्सपेक्टेड इवेंट होता है, जिस तरह से बड़ी रिपोर्ट आई है उसकी वजह से ये इसने ऐसा कारोबार किया है। सुपर ट्रेंड ने आज ही इसको बाय से सेल सिग्नल ट्रांसफॉर्म कर दिया है। देखिए जब इसका भाव करीब 707 के आसपास था, तब से इसने बाय सिग्नल मेंटेन करके रखा होता, और ये स्टॉक कंटिन्यूअसली अपर ट्रेंड में चल रहा है। अभी ये गिरावट जो आई है ये इतनी जल्दी नहीं रुकेगी, क्योंकि ये रिपोर्ट बेस्ड इन्फॉर्मेशन है, थोड़ा मार्केट को डाइजेस्ट होने में 2-3 दिन लगेंगे कम से कम। और मैकडी ने इसको आज ऑफकोर्स सेल सिग्नल इनिशिएट कर दिया है यहां पर। तो इन सब के चलते हुए स्टॉक में थोड़ा दिक्कत रहेगी अभी के लिए। ओवरऑल हमारे हिसाब से ये अच्छे ग्रोथ सेक्टर डिमांड का स्टॉक है। कंक्लूजन की तरफ से देखा जाए तो ग्रोथ स्टोरी इसकी फिनोमिनल है, ये गिरावट एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। आप 600 और 650 के बीच में कुछ क्वांटिटी ले सकते हैं और कुछ अपने पास कैश रखें, ताकि अगर फर्दर गिरता है तो आप अपने पोर्टफोलियो में